महाराष्ट्र में बीजेपी की बंपर जीत का क्या महाराष्ट्र, आपको बता दें हरियाणा में बीजेपी की बंपर जीत का क्या महाराष्ट्र में भी असर होगा। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र को करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जाति को लेकर बड़ा हमला बोला है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समाज में नहीं सिर्फ हिंदू समाज में जाति देखती है। हरियाणा की जीत के बाद प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार, हिंदू समाज में आग लगाती है कांग्रेस, मुस्लिम धर्म में जाति क्यों नहीं दिखती, सिर्फ हिंदू धर्म में ही जाति देखती है कांग्रेस, कांग्रेस की नीति हिंदू जातियों को लड़ाओ की है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है।